हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा महाविहार उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्राचीनतम विश्व की एक महान यूनिवर्सिटी है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो तक्षशिला को सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। पर अगर हम साइज के हिसाब से देखें, अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए कि प्राचीन विश्व में सबसे विशालकाय यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो वो आपकी नालंदा है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे, इसमें से किन किन पॉइंट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा महाविहार आज का जो राजगीर डिस्ट्रिक्ट है उससे थोड़ा सा दूर नालंदा महाविहार स्थित है। और वहाँ पर अब दोबारा से यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो चुका है नया कैंपस। अभी कुछ ही टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। तो अगर हम नालंदा को देखें तो अलग अलग शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम संस्कृत वर्ड देखें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं ना प्लस अलम प्लस दा। ये तीन शब्दों से मिलकर उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, मीन्स कभी ना रुकने वाला ज्ञान, कभी ना रुकने वाला ज्ञान। इसका मतलब कभी ना रुकने वाला ज्ञान। बट 12वीं शताब्दी में ये जो नॉलेज का केंद्र था वो बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया, तो इसके वजह से वो नॉलेज रुका। लेकिन दोबारा से भारत सरकार ने इसको रिवाइव किया हुआ है। हालांकि अभी उन ऊंचाइयों में पहुंचने में इसे काफ़ी वक्त लगेगा। प्राकृत शब्द में देखें तो इसका मीन्स है नल प्लस अंधा। नल का मीन्स है कमल, अंधा का मीन्स है फूल, यानी कि कमल का फूल, कमल का फूल। तो कमल का फूल भी ज्ञान का ही प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी ज्ञान का प्रतीक। तो ये इसके दो मीनिंग है प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में। अब हम आगे देखें नालंदा के बारे में कि भाई इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं। ऐसा माना जाता है कि जब नालंदा की खुदाई हुई, वहाँ के जब अवशेष मिले, तो ऐसा माना जाता है कि नालंदा के इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी वहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ थी, यानी कि एक प्राचीन शहर था। इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध भी आए, उन्होंने उपदेश भी दिया, और उनके एक प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र। सारिपुत्र का यहाँ पे एक स्तूप भी मिला है। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र, सारिपुत्र ये उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनका एक स्तूप भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्धा ने भी यहाँ पे उपदेश दिया था, और उसके बाद वो कुछ टाइम यहाँ पे रही भी थी। जैन ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने भी यहाँ पे अपना कुछ समय बिताया था। तो अगर हम देखें 6ठी शताब्दी की दो महान विभूतियाँ या दो महान व्यक्ति, उन्होंने अपना समय नालंदा में बिताया था। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वहाँ पे उन्होंने समय बिताया है तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट वहाँ पर था। तो महाविहार, अगर विहार की बात करें तो वो तो वहाँ पर पहले से था, लेकिन एज अ यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करने का जो काम किया था उसको किया था जो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। कुमारगुप्त का जो शासन काल था वो चला था 415 से लेके लगभग 455 तक सी तक इनका शासन काल था। ये जो महान गुप्ता रूलर थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके बेटे थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। तो ये कुमार गुप्त के काल में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसका ईयर है 427 CE, यानी कि 427 ईस्वी के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया एज अ यूनिवर्सिटी। और उसके बाद के गुप्त राजाओं ने, और उसके बाद फिर हर्षवर्धन, फिर पाल डायनेस्टी के जो लोग थे, सभी ने इसका संरक्षण प्रदान किया, और धीरे धीरे ये एक शिक्षा का महान केंद्र हो गया जहाँ पे पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। फेनसांग का नाम आपने सुना होगा, जो 16,000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आया, और 5 साल तक उसने पढ़ाई करी, और अपने साथ जब वापस गया तो 756 के करीब वो पांडुलिपियाँ यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट लेके वापस गया। इससे हमें पता चलता है कि नालंदा एक ज्ञान का, एक पूरे विश्व के ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहाँ आपने देखा इसका किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये किस तरीके से है। देखिए, हमें कैसे पता चलता है कि ये कुमारगुप्त नहीं इसको इस्टेब्लिश किया था, तो वहाँ पे एक सील्स मिली है, मुद्रा मिली है। उन मुद्राओं में शक्रादित्य एक व्यक्ति का नाम है, बाद में उसको शक्रादित्य
शक्रादित्य एक उपाधि उनमें दी, उनमें उन सीन्स में मिली, और जो शक्रादित्य उपाधि थी वो कुमारगुप्त की ही थी, क्योंकि इसी के टाइम पे शकों को का आक्रमण हुआ था और इसने शकों को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य पे इसने शक्रादित्य की भी उपाधि ली थी, हालांकि इसके जो बेटे थे वो स्कंदगुप्त ने उसको उनको पराजित किया, बट यही जो शक्रादित्य है वो कुमारगुप्त है, तो इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया, किसने किया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया 427 CE में किया, और इसका संबंध लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर से है। बट ये जो प्लेस है ये बहुत पुराना प्लेस है, और यहाँ पे सारिपुत्र का स्तूप भी मिला है, और बहुत सारी मानव बस्तियाँ प्राचीन काल से यहाँ पे पाई जाती थी। तो ये था इसका एस्टेब्लिशमेंट। अब हम आगे नेक्स्ट देखें कि भाई जो नालंदा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बताया नालंदा ना रुकने वाला ज्ञान, तो नालंदा जो फेमस था वो अपनी लाइब्रेरीज के लिए फेमस था। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लगभग 90 लाख के करीब किताबें थी, और जब बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया तो इतिहासकारों के अनुसार उसको पूरी तरीके से जलने में लगभग जो समय लगा था वो करीब 3 से 6 महीने तक का उनको समय उस पर लगा था। तो इससे पता चलता है कि जो नालंदा महाविहार है उसमें कितनी सारी जो बुक्स थी वो वहाँ पे रखी थी। अब जो नालंदा है, नालंदा की जो लाइब्रेरी है, जो मुख्य लाइब्रेरी है उसका नाम है धर्मगंज। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नालंदा की लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है, धर्मगंज। यहाँ पे 90 लाख के करीब पुस्तकें रखी थी, और कुछ तो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट थी जो ओरिजिनल, ऐसा माना जाता है कि जो उपनिषद थे उनकी भी ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो यहीं पे रखी हुई थी, और बाद में जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाई तो सारे के सारे जल, और ये एक बहुत बड़ा लॉस था भारत के ज्ञान को। धर्मगंज में ऐसा माना जाता है कि 3 बिल्डिंग अलग अलग थी, और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो इमारतें थी वो 9-9 मंजिला इमारतें थी, और हर जो जो लाइब्रेरी थी उसमें बहुत सारी बुकें रखी हुई, इनके नाम थे। जैसे कि एक लाइब्रेरी का एक बिल्डिंग का नाम रखा गया था रत्न सागर, एक का नाम रखा था रत्नोदधि, एक बुक का एक बिल्डिंग का नाम रत्नोदधि, और एक का नाम रखा था रत्न रंजन। तो 3 वहाँ पे बिल्डिंग्स होती थी जिनके अंदर जो बच्चे थे वो पढ़ते थे। अब देखिए ये तो लाइब्रेरी के बारे में आ गया, किस तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी थी जहाँ पे 90 लाख बुक्स को लगभग रखा गया था, और समस्त जो ज्ञान था वो सारा का सारा वहाँ पे था। तो वैसे तो माना जाता है कि इसमें जो महायान बुद्धिज्म था उसकी ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी, बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ महायान बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पे महायान बुद्धिज्म के अलावा हीनयान, बाद में वज्रयान, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ग्रेट जो आपके मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ऐसा माना जाता है कि वो यहीं के स्टूडेंट थे और बाद में यहाँ के वो चांसलर या प्रिंसिपल भी बने। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्यभट्ट ने बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सिद्धांत भी दिए। आगे हम देखेंगे फिलोसॉफी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ के आचार्य थे जिनका नाम शीलभद्र था, शीलभद्र जो हेनसांग के काल में थे, और जो शीलभद्र थे वो योग के एक प्रमुख शिक्षक थे, योग के प्रमुख शिक्षक। तो योग एक हमारा प्राचीन सर दर्शन में आता है, उसमें एक योग विधि है जिसको हालांकि पतंजलि ने डिराइव किया था, बट जो शीलभद्र थे वो योग फिलोसॉफी के बहुत बड़े विद्वान थे। मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रामर यानी कि हर फील्ड की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। यूनिवर्सिटी का मतलब ये जहाँ पे हर फील्ड की शिक्षा दी जाती थी वो सब यहाँ पे, और यहाँ पे पढ़ने वाले कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। यहाँ पे एडमिशन भी बड़ा टफ था, और बड़े बड़े राजा भी पढ़ते थे, बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ते थे, लेकिन जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क थी, तो इसलिए कोई भी गरीब भी वहाँ पे आ सकता था, बट उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता। अब यहाँ के हम कुछ महान लोगों को देखते हैं, एल्यूमिनियस को जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे कि महान पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन जिन्होंने कन्नौज से 600 से 647 तक का शासन किया। इन्हीं के काल में जो हर्षवर्धन था वो भारत में आया था, और उसने भी यहाँ पे पढ़ाई की। धर्मपाल ये एक महान पाल शासक थे जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया, और इन्होंने जो शासन किया था वो 770 से लेकर 810 तक शासन किया था। इनका नाम भी आगे आएगा। इन्होंने भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको दान दिया, उसके अलावा उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। इसके बाद नागार्जुन जो कि एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान भी थे यानी कि बुद्धिस्ट स्कॉलर भी थे, इन्होंने एक नए स्कूल डेवलप किया जिसको माध्यमिका बोलते माध्यमिका, और कहा जाता है कि शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, और इसलिए इनको
और ये एक केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान थे, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री के खोजे थे, और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने ये ऐसी टेक्निक या ऐसी ऐसा फॉर्मूला खोजे थे जिससे कि लोहे को सोने में कन्वर्ट किया जा सके। और जो दिल्ली में महरौली में आयरन पिलर है जिसमें कभी जंग नहीं लगा, वो भी माना जाता है कि हो सकता है इन्हीं के फॉर्मूले में वो बेस्ड। तो भारत के महान विद्वान थे। माध्यमिका इसका इनका स्कूल का शून्यवाद, इन्होंने जैसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण की बात की थी उससे आगे जाके भी इन्होंने बोला कि अगर आप निर्वाण भी चाह रहे हो तो वो भी एक इच्छा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि इच्छा शून्य होना तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी निर्वाण मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो इच्छा मुक्ति यानी कि जीरो होना, जैसे ब्लैक होल में सब कुछ समा जाता है, जब आप जीरो हो जाओगे कुछ भी आपकी इच्छा नहीं होगी, आपके अंदर सारा नॉलेज समा जाएगा। तो इनकी ये थ्योरी काफी पॉपुलर है। वेन सांग जिनके बारे में हम काफी डिस्कस करेंगे, हालांकि वेन सांग भारत में जब आए थे वो 629 में पहुंचे थे और 644 तक वो भारत में रहे, लेकिन 637 से 642 तक 5 साल उन्होंने नालंदा में अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने काफी जानकारी दी है। और नालंदा और एक और उनके बाद करीब 670 में एक अन्य चाइनीज ट्रैवलर आए थे, 670 से 680 तक इन्होंने 10 साल नालंदा में पढ़ाई करी। इन दोनों के इन्फॉर्मेशन से ही हमें नालंदा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाद में जब हम देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंगम जो ASI के फादर थे, उन्होंने इन्हीं के बेसिस पे नालंदा का पता लगाया था और उसके बारे में फिर पूरे विश्व को पता चला। वसुबंधु ये भी एक महायान बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर थे, इन्होंने एक बुक बुक लिखी है जिसका नाम है अभिधर्म कोश। तो ये महान महायान बुद्धिज्म के स्कॉलर थे वसुबंधु, इन्होंने भी यहाँ पे स्टडी करी है महायान बौद्ध धर्म। इसके बाद नाम आता है पद्मसंभव। अगर हम बात करें तो वज्रयान एक डेवलपमेंट हुआ, वज्रयान बौद्ध धर्म का एक अलग पंथ डेवलप हुआ जो तिब्बत में, तिब्बत बुद्धिज्म जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे तिब्बत में इनको सेकंड बुद्धा भी बोला जाता है पद्मसंभव। उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी, यहीं के एलुमनी थे। आर्यभट्ट जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी और माना जाता है कि बाद में वहाँ के यहाँ के प्रिंसिपल या चांसलर भी बने और उन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाया। इतने बड़े बड़े विद्वानों ने, इतने 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 बड़े बड़े शास्त्रों ने यहाँ पे पढ़ाई करी। इस तरीके के हजारों छात्र यहाँ से पढ़ के निकलते थे जिसमें विश्व से, पर्शिया से, चाइना से, कंबोडिया से, हर जगह से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। तो इससे पता चलता है कि नालंदा कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। अब हम आगे देखें, अब देखिए जो ह्वेन सांग है, क्योंकि ह्वेन सांग एक इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि इसने नालंदा के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ह्वेन सांग वैसे तो भारत में जब आया था तो वो 629 में ही आया था और बहुत बड़ा स्कॉलर था, है ह्वेन सांग। 629 से 644 तक भारत में रहा था और ये जो काल था ये हर्ष का काल था, हर्षवर्धन इस समय शासन कर रहे थे और बाद में वो हर्षवर्धन का रॉयल रॉयल उसने उसकी उसके राज्य में भी वो गया और उसके राज्य में रह के उसने कन्नौज धर्मसभा और प्रयाग धर्मसभा का भी आयोजन में भाग लिया और हर्ष के प्रभाव में ही, क्या ऐसा कहा जाता है कि जो सॉरी ह्वेन सांग के प्रभाव में जो हर्ष था वो महायान बुद्धिज्म में दक्ष हो गया। पहले ऐसा माना जाता है कि हर्ष जो था वो शैव था, बाद में हुई वो हीनयानी बना, हीनयान बुद्धिज्म को उसने अपनाया और जब ह्वेन सांग के संपर्क में वो आया तो फिर पूरे तरीके से उसने महायान बुद्धिज्म को अपना लिया। तो ये ऐसी कहानी ह्वेन सांग की। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ह्वेन सांग ने तो भारत के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसकी जो पुस्तक थी, ह्वेन सांग ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सीयू की। तो सीयू की ये पुस्तक है जो ह्वेन सांग ने चाइना में जाके लिखी है, ये उसकी पुस्तक है, बुक है जो उसने वहाँ पे लिखी है। और जो ह्वेन सांग था सिर्फ हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा नहीं करता है, हर्षवर्धन के समकालीन कुछ राजाओं की भी और प्रशंसा कर रहा है, जैसे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, वहाँ उसकी भी शासन की तारीफ कर रहे हैं और उसी के हर्षवर्धन के समकालीन ही और पुलकेशिन सेकंड के समकालीन ही एक और रूलर है जिसको, जो पल्लव डायनेस्टी का है, जिसका नाम है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसको नरसिम्हा या इसको मामल्ला भी बोला जाता है। तो ये इसके शासन की भी वो तारीफ कर, तो उसने हर्षवर्धन के राज्य में भी भ्रमण किया, उसके बाद पुलकेशिन यानी चालुक्य वंश में भी भ्रमण किया और नरसिंह वर्मन यानी कि पल्लव वंश में भी उसने भ्रमण किया। लेकिन सबसे ज़्यादा वो किसके बारे में बता रहा है, बुद्धिज्म के बारे में। और 637 से 642 5 साल जो ह्वेन सांग था वो नालंदा में रहा, वहाँ उसने पढ़ाई करी। नालंदा के बारे में वो बहुत कुछ बता रहा है, वो बोला कि जो नालंदा है
नालंदा एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स या मॉन्क्स पढ़ते, उसके अलावा वहाँ पे 1,510 टीचर्स। तो ये बता रहा है कि ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। रेजिडेंशियल का मतलब मीन्स लाइक जैसे JNU, वहाँ पे आप रह के वहाँ पे पढ़ाई करो, जिसमें 10,000 मॉन्क्स हैं और 1,510 स्टूडेंट्स। और ह्वेनसांग को यहाँ पे मोक्ष देव नाम से जाना गया था। और ह्वेनसांग बताता कि उसके काल में आचार्य शीलभद्र वहाँ के प्रिंसिपल थे, यानी कि चांसलर थे, और एक बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने बताया भी था कि जो शीलभद्र है, वो शीलभद्र जो थे वो योग योग के एक महान विद्वान थे। ये योग विद्या में एक निपुण थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ योग में ही थे, सांख्य वगैरह भी इनको नॉलेज था, लेकिन योग में ये काफ़ी निपुण थे। एजुकेशन वॉज फ्री बट टफ एडमिशन प्रोसेस। ह्वेनसांग बताता है कि यहाँ की जो एजुकेशन होती थी वो फ्री होती, और बट एडमिशन का प्रोसेस बहुत टफ था। सिर्फ 20% जो यहाँ पे लोग आते थे उन्हीं को एडमिशन मिल जाता था, मिल पाता था। प्रोसेस में क्या होता था कि सबसे पहले अगर आप एंट्री करोगे तो द्वारपाली बड़े विद्वान होते थे, उनके क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता था, और दो तीन बार तो ह्वेनसांग को भी लौटना पड़ा, उसके बाद जाके फिर उसको एंट्री मिली। इस तरीके से एडमिशन की टफ प्रोसेस थी। उसके अलावा सेकेंड स्टेज भी, थर्ड स्टेज, उसको पार करके यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता था। इस तरीके से वहाँ की जो एडमिशन की प्रोसेस थी वो टफ थी। और ह्वेनसांग बताता कि यहाँ पे उपनिषदों की कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रखी है, जिसको ओरिजिनल बिल्कुल जो स्टार्टिंग के जो ऋषि लोगों ने जिसको लिखा था वो यहाँ पे रखी, तो एक यूनिक चीज थी, हालांकि बाद में सब ये चल गया। और ह्वेनसांग बताता कि यहाँ पे मेनली महायान बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ महायान बुद्धिज्म ही यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था, और भी जो शिक्षा थी जैसे कि मेडिटेशन वगैरह वो भी यहाँ पे दी जाती। और हर और ये जो ह्वेनसांग बता रहे हैं कि जो 100 गांव का विलेज 100 विलेजेस का जो रिवेन्यू था वो इसके लिए निर्धारित था। हर्ष के टाइम पे 100 गांव का, जो उसके आसपास के 100 गांव थे, उसका जितना भी रिवेन्यू था वो सारा का सारा नालंदा को दे दिया जाता था, और उससे उसका भरण पोषण होता था। इससे पता चलता है कि नालंदा में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जब ये वापस गया चाइना तो अपने साथ 756 मैन्युस्क्रिप्ट को लेके गया, और इतनी वो बुक्स थी कि उसको उसको 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी, जिसमें वो भर के फिर ले गया, और फिर वो समुद्र यात्रा से चाइना पहुंचा, वहां जाके फिर उसने अपनी फेमस बुक सी की। इससे पता चलता है कि ह्वेनसांग का जो विवरण है वो काफ़ी अच्छा विवरण है, उससे हमें नालंदा के बारे में। इसी के कुछ समय बाद जब ह्वेनसांग आया, उसने अपना विवरण लिखा, तो उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु या जो स्कॉलर, वो नालंदा में आने लगे। ऐसा माना जाता है कि कोरिया, कंबोडिया, इन सब से, जापान, इन सब से लगभग 11 लोग आए थे। उसमें एक और प्रमुख है इत्सिंग। इत्सिंग कहते हैं कि 670 CE में भारत आया, और लगभग 10 साल उसने नालंदा में स्टडी करी। बट उस टाइम तक वो बता रहा है कि जो नालंदा की स्थिति है वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि ह्वेनसांग के टाइम पे 3,000 मतलब 10,000 मॉन्क्स थे, लेकिन जो इत्सिंग बता रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ 3,000 मॉन्क्स और टीचर्स, यानी कि अगर हम देखें हर्ष के बाद धीरे धीरे जो नालंदा था उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, उसके कारण हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे हर्ष, जैसे ह्वेनसांग ने बताया था कि 100 विलेजेस का रिवेन्यू था वो नालंदा के लिए दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि जो 200 विलेजेस है उनका रिवेन्यू नालंदा के लिए दिया जाता है। इससे पता चलता है कि विलेजेस का जो रिवेन्यू है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भिक्षु हो रहे हैं वो कम हो गए। हो सकता है वो लोग ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हो, या ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो इत्सिंग एक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जब एक शेड्यूल होता था, जितने भी वहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते थे उनका एक शेड्यूल होता था, अर्ली मॉर्निंग उनको उठना पड़ता था, और एक घंटा बजता था, उस घंटे के साथ सबको उठना पड़ता था, फिर वहाँ पे तालाब बने हुए थे, उन तालाबों में जाके उनको स्नान करना होता था। स्नान करने के बाद फिर उन्हें 1.5 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा एक कपड़ा, यानी कि जिसको हम एक टाइप से धोती वगैरह कहते हैं, वो पहनना होता था। उसके बाद वो अपनी अपना वर्शिप वगैरह करते थे, उसके बाद इनको खाना मिलता था, यानी कि बिना नहाए आपको कुछ खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वहाँ की प्रोसेस थी, और हर किसी को उसको फॉलो करना पड़ता था, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाता था, इसलिए टफ था काफ़ी वहाँ का प्रोसेस। और जब इत्सिंग अपने साथ गया वापस, तो वो भी अपने साथ बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट ले गया, 400 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट ले गया, जबकि जो ह्वेनसांग था वो 756 मैन्युस्क्रिप्ट ले गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों जो तीर्थ यात्री हैं या यात्री हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, अलग अलग विवरण दे रहे हैं। ह्वेनसांग ने बताया कि यहाँ पे 10,000 टीचर्स और 10,000 मॉन्क्स और टीचर्स के करीब रहते थे, जबकि वो 3,000 बता रहे हैं। वो बता रहा है कि वहाँ पे ह्वेनसांग की 100 गांव का रिवेन्यू जाता था, और ये बता रहा है 200 गांव का रिवेन्यू जाता था। इस तरीके से ये इनके बीच का डिफरेंस है। बट जो भी था, धीरे धीरे जो नालंदा था उसका डिक्लाइन हो रहा था।
अब हम देखें कि नालंदा का स्ट्रक्चर कैसा है। हालांकि जब उसकी खुदाई हुई तो काफ़ी चीज़ें टूट चुकी थी, और ऑलरेडी आपको मैं बताऊंगा आगे कि बख्तियार खिलजी ने उस पर आग लगाई तो पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था। फिर भी उसके अवशेषों से हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलती है। भेनसांग जो उसका स्ट्रक्चर बताता है, वो बोलता है कि जो पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरे पूरा जो कैंपस है, वो चारों ओर से एक बड़ी दीवार जो पक्की ईंटों की बनी है उससे घिरा हुआ है। और एक गेट है, मेन गेट है, जिससे आपको एंट्री करनी है, और उसी मेन गेट में आपके द्वारपाल हैं जिनके क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, तभी आपका एडमिशन होगा। फिर जब आप अंदर आते हैं तो वहाँ पे 8 बड़े बड़े हॉल्स हैं, और 8 बड़े बड़े हॉल्स हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते नहीं, वहाँ पे डिबेट्स भी होते हैं। दो ग्रुप बैठते हैं और आपस में डिबेट करते हैं। इस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। जो अदर सोर्सेस है उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ मठ थी जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते थे। उसके अलावा वहाँ पे कुछ स्तूपा भी मिले, जैसे मैंने सारिपुत्र का स्तूपा बोला। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी मिले, ऐसा माना जाता है, कुछ मंदिर भी वहाँ पे थे। रूम्स कैसे बने होते थे, इसके बारे में अदर सोर्सेज में बताया कि हर स्टूडेंट को रूम मिलता था। उस रूम में एक प्लेटफॉर्म होता था जो पत्थर का बना होता था, वो सोने के लिए होता था, और लैम्प रखने के लिए, यानी कि जो दिया वगैरह था उसको रखने के लिए कोठरी सी बनी होती थी जहाँ पे वो दिया रखता, यानी कि हो सकता है रात को भी वो लोग पढ़ते। इस तरीके से ये नालंदा यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखें तो पाल डायनेस्टी के टाइम पे बुद्धिज्म काफ़ी फैला, और उन्होंने काफ़ी उनको उसको संरक्षण भी दिया। हर्ष के बाद अगर हम देखें तो पाल जो डायनेस्टी थी, उन्होंने नालंदा, और उसके अलावा उन्होंने दो यूनिवर्सिटी और भी बनाई, विक्रम सिन्हा और उदयपुर। इसकी कहानी भी हम देखते हैं। एक्चुअल में क्या था कि अभी आपने आपने एक नाम सुना था पद्म संभव, तो पद्म संभव जिसको मैंने बताया कि तिब्बत में सेकंड बुद्धा भी बोला जाता है, इन्होंने, और दो और भी थे जिनका नाम था दीपांकर, और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है शांति रक्षक। जो दीपांकर है उनको अतिशा भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या करा था, तिब्बत की यात्रा की, और तिब्बत में जाके एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसको वज्रयान बोला गया। तो वज्रयान क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, वज्रयान जो बुद्धिज्म है उसमें आपकी तंत्र मंत्र, क्योंकि वहां पे जो लोकल एक बोन रिलीजन था उससे ये मिक्सचर हो गया, उसमें तंत्र मंत्र शामिल हो गए। तो इन तीनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तीनों लोगों का, पद्म संभव, शांति रक्षिता और दीपांकर या अतिशा, इन सब लोगों ने मिलकर एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप किया जिसको वज्रयान बोला। जब वज्रयान तिब्बत में फैला तो पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, और वहां से हजारों लोग नालंदा में पढ़ने आ रहे हैं। पर नालंदा में सीट्स लिमिटेड थी, हमने आपको बताया भी था। तो अब क्या था कि नई यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी। तो इससे पहले जो एक फर्स्ट गोपाला फर्स्ट भी इनको बोलते हैं, जिन्होंने 750 से लेके 770 तक के आसपास शासन किया था, इन्होंने एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था उदयपुरी। उसके बाद फिर ये भी छोटी पड़ने लगी, तो फिर धर्मपाल जो इसके बाद रूलर बने, धर्मपाल ने 770 से 810 तक शासन किया था। इन्होंने एक नई यूनिवर्सिटी बनाई विक्रमशिला। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी नालंदा के बाद दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी थी भारत की उस काल में, और ये इसके अवशेष भी वहाँ पे मिले, क्योंकि जो बख्तियार खिलजी आया उसने तीनों यूनिवर्सिटी को धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया। इस तरीके से अगर हम देखें कि पालों के टाइम पे जो बुद्धिज्म था, खासकर जो वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, वो काफ़ी पॉपुलर हुई और तिब्बत में फैल गई। और जब ये इन यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हुआ तो जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, वो जितने भी पांडुलिपियाँ वगैरह लेके जा सकते थे, वो तिब्बत में लेके वहाँ पे चले गए। इस तरीके से तिब्बत में बौद्ध धर्म का वहाँ पे प्रभाव पड़ा। आज भी आप देखते हो कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है वही प्रमुख धर्म है, लेकिन वो वज्रयान है। वज्रयान कुछ नहीं है, मैंने बताया महायान प्लस, उसमें अगर आप तंत्र मंत्र जोड़ दोगे तो वो आपका वज्रयान है। इस तरीके से पाला डायनेस्टी के काल में जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी बेटर, और उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि नालंदा में कैसे आक्रमण हुआ, कैसे इन्वेजन हुआ। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बख्तियार खिलजी ने इन्वेजन किया था, क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी मैंने बताया था कि वहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह निकलते थे, और खासकर बुद्धिज्म को वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इससे कई बार और जो धर्म को मानने वाले लोग थे वो उससे उससे चिढ़ जाते थे। और इसमें पहला जो इन्वेजन होता है वो हूणों का होता है, हूण इन्वेजन, जिसमें उनका एक रूलर है हूण। हूण एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो सेंट्रल एशिया के लोग थे, सेंट्रल एशिया की जनजाति थी, और भारत पे लगातार आक्रमण करते थे। हिंदू कुश में खैबर पास से होते हुए उत्तर भारत में, और वो आगे आगे गुप्ता एम्पायर तक। उस समय जो शासक था जिस समय हूणों ने अटैक किया, उस समय कुमारगुप्त था, और उसके बेटे स्कंदगुप्त ने उनको हराया।
और स्कंद गुप्त के टाइम पर भी वो लगातार आक्रमण करते रहे। तो स्कंद गुप्त का जो काल था वो 455 से 467 था। उस समय जो हूण शासक था मिहिरकुल, उसने आक्रमण किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को का डिस्ट्रक्शन किया। बट स्कंद गुप्त उसके बाद उसके जो वंशज थे यानी कि बालादित्य या तथागत गुप्त, इन सब लोगों ने मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। और कहते हैं कि जो लाइब्रेरी था उसका जो काम था वो भी स्कंद गुप्त के काल से ही स्टार्ट हुआ। जो पहली लाइब्रेरी बनी थी उसके बाद फिर और भी लाइब्रेरी वहाँ पे बनती थी। दूसरा जो अटैक हुआ 7th सेंचुरी में यानी कि अर्ली 7th सेंचुरी में, ससान गौड़। ससान बंगाल का एक शासक था, शैव था, शैव धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध ग्रंथों में इसको बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया कि ऐसा माना भी जाता है कि इसने बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कटवा भी दिया, ऐसा भी माना जाता है। तो इसने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसके बाद हर्षवर्धन ने जब ससान को पराजित किया उसके बाद उसने नालंदा को दोबारा से रिस्टोर कर और एक बहुत और भी भव्य बना दिया इस तरीके से। अब तीसरा जो अटैक था वो बड़ा डेंजरस था क्योंकि उसके बाद कोई भी शासक नहीं हुआ जो उसको बचा सकता था। कहते हैं कि 1193 में बख्तियार खिलजी का। अब इसमें बहुत सारी कहानी प्रचलित है इस अटैक के बारे में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक बुक है तबकात, एक फेमस राइटर है जिसका नाम है मिनाजुल सिराज, उसने एक बुक लिखी है उसमें हमें जानकारी मिलती है बख्तियार खिलजी के बारे में और कुछ जनश्रुतियों। जनश्रुतियों के हिसाब से एक कहानी कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया तो वो बहुत बीमार हो गए और बीमार होने की वजह से ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे हकीम वैद्यों को उसने दिखाया वो बिल्कुल ठीक नहीं। फिर उसको किसने बताया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक चांसलर हैं जिनका नाम है राहुल श्री भट, वो एक बहुत बड़े मेडिशियन मतलब डॉक्टर हैं राहुल श्री भट, आप उनको दिखाओ वो जरूर आपका इलाज कर। तो उसने फिर राहुल श्री भट को बुलाया और राहुल श्री भट उसके पास आए, लेकिन राहुल श्री भट से उसने एक शर्त लिखी कि मैं काफिरों के हाथ से या किसी भी तरीके से कोई दवा नहीं लूँ, अगर आप मुझे तो वैसे ठीक कर सकते हो तो ठीक कर। ऐसा कहा जाता कि बख्तियार जो खिलजी था वो जो भारतीय थे उनकी बेइज्जती करना चाहता था कि इनका नॉलेज कितना, और राहुल श्री भट्ट को बहुत नॉलेज था, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बिना छू ही या बिना कुछ दवा दिए ही ठीक कर लूँगा, लेकिन आपको एक मेरी शर्त भी माननी पड़ेगी, आप कुरान शरीफ आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ोगे तो ठीक हो जाओ। तो उसके बाद कहते हैं कि राहुल श्री भट्ट ने कुरान शरीफ को लाए और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन का लेप लगाया जो अदृश्य था। और जब बख्तियार खिलजी उस कुरान को पढ़ता था तो वो पलटते वक्त उसको अपना थूक लगा के उसको पलटता था, उसकी महक से धीरे धीरे बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो वो उसको हैरा रहे और उसको बड़ा अचंभा लगा कि क्योंकि वो लोग समझते थे कि सारा जो ज्ञान है वो इस्लाम में और यहाँ पे ये जो लोग हैं मतलब जो बौद्ध हैं ये नालंदा है ये इसमें इतना सारा ज्ञान है कि बिना छुए मुझे ठीक कर दिया, और ये भी तो हो सकता था कि ये मुझे मार भी सकता था या इनके पास ऐसी भी चीज़ें होंगी जिससे कि पूरी की पूरी सेना को नष्ट कर सकता है, तो ये तो डेंजरस है। तो उसने क्या करा, उसके सलाहकारों ने कहा कि इस जो ज्ञान का खजाना है इसकी लाइब्रेरी में, तो उसने तुरंत क्या करा सारी जो लाइब्रेरी थी उनमें आग लगवा दी। और कहा जाता कि 3 महीने कई सूत्रों में 6 महीने तक वो धूम धूम करके चलता रहा और इस तरीके से जो 90 लाख पुस्तकें थी वो सारी की सारी चल के रात हो गई। ये भारत का सबसे बड़ा विनाश था क्योंकि ऐसा नहीं था कि भाई भारत पर और भी आक्रमण हुए थे, चाहे वो मोहम्मद गजनी था उन्होंने धन लूट के लिए, लेकिन धन तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जहाँ से ज्ञान लॉस्ट हो जाएगा, ज्ञान का जो खजाना था वो सब लॉस्ट हुआ, तो धीरे धीरे भारत फिर वही गुलामी के रास्ते में चला गया, तो अंग्रेज आके भारत को गुलाम। तो इसलिए किसी ने भी कहा है कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो उसके जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं उन पर आप नियंत्रण स्थापित कर दो, उससे क्या होगा वो देश अपने आप गुलाम बन जाएगा। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी यही किया, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया और हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। इस तरीके से नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ और ये जो डिस्ट्रक्शन था ये भारत के लिए बहुत नुकसान, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए नुकसान था क्योंकि नालंदा उसमें पूरे विश्व का कि ज्ञान का खजाना था। कुछ और भी सोर्सों से हमें जानकारी मिलती है जिसमें तिब्बतन सोर्सेज प्रमुख, एक तिब्बतन मॉन्क है जिन्होंने 1235-36 में भारत में यात्रा की थी, उन्होंने कहा था कि उनका नाम था धर्मस्वामी, इन्होंने भारत की यात्रा की और उन्होंने नालंदा की भी यात्रा की, बट उन्होंने कहा कि जो नालंदा थी उस टाइम तक उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका था, और उन्होंने लेकिन बोला कि जो तुर्की आक्रमण के कारण उन्होंने बख्तियार खिलजी का नाम नहीं लिया, बख्तियार खिलजी का नाम सिर्फ मिनाजुल सिराज ने लिया, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो तुर्की आक्रमण था उसके कारण क्या हुआ कि नालंदा का डिस्ट्रक्शन। इसके बाद एक बड़े हिस्टोरियन है तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर तंग्यूर नामक बुक्स भी लिखी, और इन्होंने बताया कि दो ब्राह्मण्स थे क्योंकि वो बुद्धिज्म को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी अद्भुत शक्तियां प्राप्त करी और अद्भुत शक्तियां प्राप्त करके उन्होंने इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया। बट
ये हो सकता है कि एक स्टोरी हो, हालांकि सच भी हो सकती है, बट जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो बख्तियार खिलजी का ही माना जाता है कि उसने उसको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद उसने विक्रमशिला और उदनपुरी भी को भी डिस्ट्रक्शन कर दिया। इस तरीके से नालंदा पे इन्वेशन हुआ और फिर उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो थर्ड वाला जो डिस्ट्रक्शन था वो काफ़ी डेंजरस। अब देखिए, जैसे मैंने बताया बख्तियार खिलजी के बारे में, क्योंकि बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है कि इसने नष्ट किया था। एक्चुअल में अगर हम देखें कि तराइन के प्रथम युद्ध और सेकेंड युद्ध, यानी कि खासकर 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी जो एक अफगानी था, मतलब अफगान से ही शासन करता था, उसने भारत के उत्तर पर कंट्रोल कर लिया। उसके चार कमांडर थे, उसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और कुतुब मीनार का निर्माण कराया, एक कुबाचा था, एक एल्दोस था जिसने जिसको जिनको उन्होंने और जो क्षेत्र थे उनको जीतने के लिए भेजा, और एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में बोलते हैं कि इसका जो जन्म अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में हुआ था, काफ़ी शक्तिशाली था और पावरफुल था, और इसलिए इसको जिम्मेदारी दी गई मोहम्मद गोरी द्वारा कि आप क्या करो, बिहार और बंगाल पर आक्रमण करो और बिहार और बंगाल को जो गोर क्षेत्र है या उसके क्षेत्र में मिला दो। तो कहते हैं कि जो बख्तियार खिलजी था वो गया और सबसे पहले उसने जो अटैक किया था वो बिहार पे किया था, बिहार पे अटैक किया, और वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था इंदुमन भीरू। ये बिहार पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, इंदुमन भीरू। तो इंदुमन भीरू को उसने पराजित किया, पराजित करके उसने उनके राज्य पर आक्रमण, मतलब उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, और साथ साथ में उसको नालंदा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। नालंदा को क्यों डिस्ट्रॉय किया उसकी स्टोरी मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने अगला जो अटैक किया बंगाल में किया 1203 और 4 में। उस समय वहाँ पे पाल डायनेस्टी के एक वीक रूलर थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि जब बंगाल में लक्ष्मण सेन पाल डायनेस्टी के रूलर थे, और कहते हैं कि ये अपनी राजधानी नदिया, उस समय इनकी राजधानी हुआ थी पालवंश की, वहाँ से भाग गए क्योंकि ये उसका सामना करने में असमर्थ थे। और कहीं स्टोरी भी है, ऐसा माना जाता है कि जो पाल शासक थे बाद में तंत्र मंत्र पर बहुत यकीन करते थे और ये उस समय कोई यज्ञ करा रहे थे जिससे कि शत्रुओं को भगाया जा सके, बट ऐसा हुआ नहीं। बख्तियार खिलजी आया, उसने नदिया को बुरी तरीके से लूट दिया और उसके बाद उसने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद फिर उसने अगला अटैक कहाँ पे किया, तिब्बत, और तिब्बत में 1205 में अटैक किया, बट तिब्बत के जो लोग थे उन्होंने मिलकर राजा के साथ मिलकर इसको खदेड़ दिया। और इसी बीच जब ये 1205 में लौटा तो एक व्यक्ति था अली मर्दान, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, अली मर्दान, उसने इसकी हत्या कर दी। और ये जो जगह थी ये भानगढ़, भानगढ़ एक राजस्थान में भी है, राजस्थान वाला नहीं, ये बंगाल वाला भानगढ़ है, वहाँ पे इसकी मौत हुई। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है एक बुक जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी ये 13वीं शताब्दी में लिखी हुई बुक है, तबकात ए नासिरी, और इसकी जो रचना की है, इसकी जो राइटर है उनका नाम है मिनहाज ए सिराज, और मिनहाज ए सिराज ने इसको जो लिखा है वो फारसी भाषा यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में बुक को लिखा, फारसी भाषा में इसको लिखा हुआ। और ये किसकी हिस्ट्री है, ये दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी उसकी हिस्ट्री है। इसमें कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री है, तो इसमें मोहम्मद गोरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद कौन है, ये इल्तुतमिश का बेटा है, यानी कि इसमें जो हिस्ट्री है मोहम्मद गोरी की तो है ही है, साथ में जो गुलाम वंश उसकी भी हिस्ट्री है, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी वंश आया, सॉरी गुलाम वंश की पूरी हिस्ट्री है, खिलजी वंश की नहीं है इसमें, तो गुलाम वंश की हिस्ट्री है। गुलाम वंश का मीन्स इसमें इल्तुतमिश का के बारे में दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दिया है, रजिया के बारे में दिया है, और रजिया का ही भाई था नासिरुद्दीन महमूद, उसी के काल में जो तबकात ए नासिरिया उसको लिखा था मिनहाज ए सिराज। इस तरीके से ये बुक है जिसमें ये सब बताया गया। तो इसी बुक में बता रखा है बख्तियार खिलजी ने किस तरीके से उसका डिस्ट्रक्शन किया था, हालांकि उसमें नालंदा का नाम मेंशन नहीं है, बट माना जाता है कि उसने डिस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद उसने विक्रमशिला और बाकी जो यूनिवर्सिटी थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरीके से ये कहानी है। अब देखिए नालंदा का रिवाइवल कैसे हुआ, तो जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और उन्होंने भारत के कई बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया, तो उन्होंने सर्वे कराया, मतलब उनको क्योंकि भारत के मैप्स वगैरह बनाने, और एक सर्वेयर उन्होंने अपॉइंट किया जिसका नाम था, जो स्कॉटलैंड से था, जिसका नाम था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। ये नाम ध्यान में रखिएगा, ये सर्वेयर था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ये था। अब देखिए इसने क्या करा था, हालांकि ये उसी राजगृह के क्षेत्र में गया और वहां पर
कुछ अवशेषों को देखा, तो ये डायरी लिखता था, उस डायरी में इसने नोट किया, उस डायरी के बेसिस पे, और फिर इसके जो डायरी थी प्लस जो आपके वेन सांग प्लस इत सिंह के जो रिकॉर्ड थे उसके बेसिस पे, जो अलेक्जेंडर कनिंगम भारत में फर्स्ट ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड, और भारत में आर्कियोलॉजी को का क्रेडिट इन्हीं को जाता है क्योंकि सांची स्तूपा, अशोकन पिलर्स वगैरह सबका कंजर्वेशन करना इन्होंने स्टार्ट किया था, और भारत के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, इसलिए कनिंगम संग्रहालय या कनिंगम जो संग्रहालय है वहाँ, वो भारत में इन्हीं के नाम पे उनको रखा गया। तो उन्होंने फिर इसके पूरा जो थोड़ा सा इसके बारे में पता लगाया, तो ये पता लगा कि हाँ यहाँ पे कोई एक महान विश्वविद्यालय था। फिर धीरे धीरे इसकी खुदाई भी, खुदाई में इसके अवशेष पता चले, ऐसा माना जाता है कि 1915 से इसकी खुदाई स्टार्ट हुई और काफ़ी लंबे समय तक चली, और उसके बाद आज़ादी के बाद भी वो चलती रही, और एक बहुत बड़ा एरिया मिला जहाँ पे पता चला कि हाँ वाकई में ये यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना की इसके महत्व को देखते हुए। उसके बाद 2006 में, हालांकि उससे पहले एक ईस्ट मतलब 2006 में के आसपास ही ईस्ट एशिया समिट हुई थी, उसमें जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे हमारे लेट प्रेसिडेंट, उन्होंने आइडिया दिया था कि इसे दोबारा से हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2000 एक्ट पास किया गया, और इसमें 2000 करोड़ रुपीज़ इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए रखे गए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और 2012 में अमर्त्य सेन को जो चेयरमैन बनाया गया इसके गवर्निंग काउंसिल का, 2014 से यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हुई, 2016 में इसकी फाउंडेशन रखी गई, और एक तरीके से फॉर्मल ओपनिंग हुई, हालांकि जो स्ट्रक्चर था वो पुराना था। अभी 2024 में एक नए कैंपस की यहाँ पे बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो पुराने कैंपस से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, जिसको ग्रीन कैंपस या नेट जीरो कैंपस नाम दिया गया, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटी दी गई है, और इसमें जो लेटेस्ट जितने भी एजुकेशन है वो सब दी जाए। इस तरीके से भारत सरकार जो नालंदा है उसको दोबारा से रिवाइव कर रही है, हालांकि अपनी पुराने जो वर्चस्व है उसको स्थापित करने में इसको समय लगेगा, बट फिर भी एक अच्छी सराहनीय पहल है, और हम यही चाहेंगे कि नालंदा पहले की तरह ना रुकने वाला नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कभी ना रुके, ऐसा नॉलेज बने और पूरे विश्व को प्रकाश दे। तो थैंक यू वेरी मच।